आज ही के दिन 13 नवंबर 1780 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, संधावालिया महाराजा मासिम के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पर सोना मंडवाया, तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मेरिनर 9 आज ही के दिन 13 नवंबर 1971 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। मेरिनर 9 को 30 मई 1971 को लॉन्च किया गया था। यह पहला अंतरिक्ष विमान था जिसने किसी दूसरे ग्रह पर दस्तक दी थी। मेरिनर 9 पर लगे कैमरों ने मंगल की 7329 तस्वीरें ली। 27 अक्टूबर 1972 को इस विमान से संपर्क खत्म हो गया था। मेरिनर 9 की मदद से ही मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में उम्मीद जगी। मंगल के बारे में वैज्ञानिकों की धारणा बदली और कई रिसर्चों को नई दिशा मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज ही के दिन 13 नवंबर 1975 में एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की थी। इसके 5 साल बाद 1980 में पूरी दुनिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा हुई। हालांकि लगता है कि चेचक फिर से अफ्रीका ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया में बड़ी बीमारी के तौर पर उभर रही है। एक ज़माने में इसका कोई इलाज नहीं था और इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती थी। 1758 के आसपास इसके बचाव के लिए वैक्सीन विकसित हुई। हालांकि ये वैक्सीन तभी ज़्यादा असरदार होती है जब बचपन में ही इसके टीके लगवाए जाएं। पूर्वी कोलंबिया में आज ही के दिन 13 नवंबर 1985 में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोग मारे गए थे। कोलंबिया में नवाडो डेल रुएज में अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा और तेजी से लावा बहने लगा, जिसने आसपास पड़ते 13 गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। आर्मेरियो शहर में कुछ देर में ही 20,000 से ज़्यादा और चिंचना गांव के 1800 लोग लावा की चपेट में आ गए। 80 वर्ग किलोमीटर इलाके में राख ही राख नजर आ रही थी। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1968 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता हैं। जूही ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसी प्रकार हर रोज की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।